मिड कैप में मेगा एक्शन कौन से शेयर्स में, ये भी जान लेते हैं। और मिड कैप में मेगा एक्शन तीन स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहला शेयर तो है काइंस टेक्नोलॉजीज। अच्छे नतीजे और अच्छे नतीजों का असर है जो कि आज हम स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। बढ़िया मजबूती के बीच Q4 रिजल्ट्स, रोबस्ट नंबर्स, स्ट्रॉन्ग ऑटो बैकलॉग और इसी के चलते आज सुबह काइंस टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट दोनों इटिनाव और इटिनाव स्वदेश पर जुड़े। और अगर आप इस वक्त देखेंगे स्टॉक में बढ़िया तेजी, रिजल्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेस के नतीजे भी काफी पॉजिटिव थे और अच्छे नतीजों के दम पर एम्बर एंटरप्राइजेस भी दौड़ा है। कंपनी की आय में करीब 55% तक की बढ़त देखी थी। क्लियरली जहां जहां नतीजे आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में, अच्छे नंबर्स का क्लकट पॉजिटिव इम्पैक्ट और कमजोर नतीजों का भी इम्पैक्ट नेगेटिव यहाँ पर नतीजों के लिहाज से देखने को मिल रहा है। हालांकि निफ्टी वेटेज की ज्यादातर कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन मिड कैप में और कैश सेगमेंट में जो चुनिंदा कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट आप देखेंगे। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण नतीजों के बाद नए शिखर पर है, मुनाफे में 82% की बढ़त देखने को मिली। तो केन्स, एम्बर एंटरप्राइजेस और क्रेडिट एक्सिस, ये है हमारे मिड कैप के मेगा एक्शन वाले शेयर्स। रिजल्ट का क्लियर इम्पैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे। चलिए ये तो हुए मिड कैप के मेगा एक्शन वाले धमाकेदार शेयर्स, लेकिन मिड कैप में और एक्शन कहां पर दिख रहा है? इंडेक्स तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर, कौन से थीम्स एक्टिव हैं और इसके अलावा भी खबरें कौन सी है मिड कैप में, वामाक्षी से जानते हैं। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताइए। वेल गुड आफ्टरनून, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो एस्कॉट्स में हमने देखा था कल हल्की सी गिरावट नजर आई थी और वहाँ से अब स्टॉक में काफ़ी अच्छी मूव नज़र आ रहे हैं। मैक्स हेल्थकेयर कल 2% से अधिक टूटा था ये स्टॉक, मगर आज स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है। सुंदरम फास्टनर्स की अगर हम बात करें, 2 दिन के दबाव के बाद स्टॉक आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है। और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक आज वापस रिकवरी मोड में आ गया है और काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, ओबरॉय रियल्टी, जिंदाल स्टील, ये तीनों ही काउंटर्स के हमने नतीजे देखे थे और नतीजों के बल पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भारी गिरावट नजर आई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, मगर हमने देखा था नतीजों के पहले स्टॉक में करीब 30% का रन अप आया था रिसेंट लो से, और उस नतीजों के बावजूद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज भारी गिरावट नजर आ रही है। ओबरॉय रियल्टी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमजोर थे और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 2 दिन की तेज़ी के बाद स्टॉक में आज ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया भी ये लिस्ट में शामिल है, 2 दिन की तेजी के बाद ये स्टॉक भी आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, और अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो ऑटो एंसिलरी शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एक्साइड इंडस्ट्री, टैलब्रोस ऑटो, राजाज, SGS एंटरप्राइजेस जैसे सारे ही शेयर आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 2 से करीब 6% की तेजी इन सारे शेयरों में हमें नजर आ रही है। ओके तो चलिए ये तो सारे थीम्स हैं, ऑटो एंसिलरी इस वक्त भी रिएक्ट करते हुए पॉजिटिवली दिख रहे हैं। वामाक्षी इसके अलावा खबरें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम सुजलॉन से। कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है 99 मेगावाट्स का है वाइब्रेंट एनर्जी के पास, और ये जो प्रोजेक्ट है वो FY25 में कमीशन होगा, और उसी के चलते सुजलॉन हमारे रेडार पर 3% से अधिक की तेज़ी के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। मान इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं 500 करोड़ के, ऑर्डर बुक करीब 2300 करोड़ पर है और ये अगले 6 से 8 महीने में एग्जीक्यूट होगी, और उसी के चलते मान इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में, करीब 2% की तेज़ी ये स्टॉक में हमें नज़र आ रही है। और आखिर में हम फोकस करेंगे साइडस लाइफ साइंसेस पर। कंपनी को USFDA की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल गया है एफ्रेडीन सल्फेट इंजेक्शन के लिए, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अब साइडस ग्रुप के पास 368 अप्रूवल्स आ चुके हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें इसी के चलते साइडस लाइफ साइंसेस में हम देख रहे हैं करीब 0.4% की तेजी नजर आ रही है। ओके वामाक्षी शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आपको खास तौर से नजर रखनी चाहिए। राहुल, केन्स टेक्नोलॉजीज ऑफ कोर्स रीसेंट 2022 में ही लिस्टिंग हुई है, इसलिए डेटा कम होंगे, लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है स्टॉक में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। सरप्राइजिंगली हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और लगातार पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स भी यहाँ पर काइंस टेक्नोलॉजीज को काफ़ी पॉजिटिव बनाते हैं। क्या आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं? ताज़ा नतीजे आए और नतीजों के ठीक बाद आज देखिए 12% के अप मूव्स। जी बिल्कुल, देखिए मासी मेरे पास डेटा तो डेफिनेटली कम है यहाँ पे, बट जिस तरीके का ट्रेंड ओवरऑल इस स्टॉक ने बनाया है सिंस द बिगनिंग, वहां से एक कंटिन्यूस हमें कहीं ना कहीं हायर हाईज हायर लोज बनते हुए दिखे हैं, और आज तो इतने बड़े गैप अप के बाद में जहाँ पे स्टॉक ने करीबन जो अपना हाई बनाया करीबन 1185 का, वहां से एक थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे आया है,
और मेरा मानना है कि जिस तरीके के नतीजे पेश करे गए हैं और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर इसको गिरावट अगर आपको मौका मिलता है और ये 1030 या 1020 के आसपास अगर आपको दोबारा इसके डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहां पे जरूर आप ऐड करते कर सकते हैं एंट्री पोजिशन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 980 जो कि काफी अच्छी सपोर्ट लाइन है काइंस टेक्नोलॉजी के लिए। और मेरा मानना है कि जिनके पास में भी निवेश की तरह ये पोजीशन बनी रखी है उनको डेफिनेटली होल्ड आउट करना चाहिए। मेरा मानना है आने वाले समय में आपको स्टॉक 1250 से 1300 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। ये एम्बर एंटरप्राइजेस जो है बड़ा ही रेंज में डाउनसाइड रहने वाला काउंटर है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 12 मई से इसने तेजी की चाल पकड़ी और कल फिर नतीजे हैं, नतीजों के ठीक बाद हमने एक्शन भी देखा है। क्या इस तेजी को एक बार जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट बुक करने का मौका समझकर एग्जिट कर जाएं? देखिए मानसी अगर देखा जाए तो काफी बड़ा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला था। अगर हम साल भर पहले का ही देखें पिछले साल मई महीने में ये स्टॉक करीबन 3800 के आसपास ट्रेड करता था और आज भी इतने बड़े गैप अप के बाद में भी ये स्टॉक 2080 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और इसने जो एक अच्छा सपोर्ट अपना बनाया है वो करीबन 1800 के लेवल पे बनाया है। तो यानी कि जो इनके हाइस थे वहां से ऑलमोस्ट ये 100% रिट्रेस होके एट द वैल्यू ऑफ 1800 तक गए हैं और वहां पे अच्छा सपोर्ट बनाया है। अब अगर रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ से तो काफी फेवरेबल लगता है जहाँ पे आप 1850 के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रखते हुए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट ये जो सिंगल डेज के गेन है उस पर बिल्कुल भी पूरा बिलीव ना करते हुए आपको 1 से 2 दिन और इसको टाइम देना चाहिए इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर ये इन्हीं लेवल्स में मौजूद रहा और यहाँ से आपको हल्के भी गेन्स यहाँ से आते हुए दिखे तो डेफिनेटली यहाँ पे इसमें चाल रिवर्स हो सकती है और ये स्टॉक ऑन द इमीडिएट बेसिस 2400 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। तो चलिए राय इस वक्त आपको मिलती हुई केन्स टेक्नोलॉजीज, अच्छे नतीजों के दम पर यहाँ पर बढ़िया मजबूती हम देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वामाक्षी जब हमारे साथ जुड़ी थी, राहुल वो ऑटो एंसिलरी पैक की बात कर रही थी और ऑटो एंसिलरी में हमने देखा है इन दिनों काफ़ी अच्छा एक्शन है भी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, टैलब्रोस ऑटोमेटिव, टैलब्रोस ऑटोमोटिव के लिए तो अच्छे नतीजों का एक ट्रिगर भी रहा, लेकिन अमारा राजा बैटरीज, ये बैटरी से जुड़े स्टॉक्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। आज जहां बाजार में डाउनसाइड है, गिरावट ज़्यादा हावी हो रही है, ऑटो एंसिलरी में अब भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2 से 6% तक की तेज़ी, एक साइड ऑलमोस्ट 6% की मजबूती दिखा रहा है। आप स्टॉक पिकिंग इस स्पेस से क्या करेंगे? देखिए डेफिनेटली एक्साइड इंडस्ट्री और टैलब्रोस ऑटो ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है आज के सत्र में। और जहां तक हम देखेंगे अगर टैलब्रोस को अगर आप गौर से देखेंगे जब से अपने 200 एमएस के ऊपर ट्रेड करना चालू किया है यानी कि 465 464 के लेवल्स पे वहां से कंटिन्यूस तेजी बनी हुई है। तो मेरा मानना है कि अभी इसमें वेट एंड वॉच लिस्ट में रखना जरूरी है क्योंकि अभी काफी अच्छे गेन्स ऑलरेडी इस काउंटर में आ चुके हैं। अगर ये आपको टैलब्रोस इंजीनियरिंग अगर 500 रुपए के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे एक पोजीशन बनानी चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 480 क्योंकि वहां पे एक अच्छी मजबूती आपको आती हुई दिखेगी। ऑब्वियसली एक्साइड इंडस्ट्रीज एक काफी ज्यादा नजर में है आज मार्केट में काफी अच्छे बड़े गेन्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे ट्रेड के मौके पे मुझे नहीं लगता कि ये फर्दर अभी बनेंगे बट हाँ डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें ऑटो एंसिलरी पर्टिकुलर सेगमेंट से तो वहाँ पे मुझे जेबीएम ऑटो बहुत ही पसंद आता है मानसी। ऑल्दो इसमें काफी बड़े गेन्स देखने को मिले थे और वहां से एक हल्का सा डिक्लाइन अभी मौजूदा पिछले 4 से 5 सेशन में देखने को मिला है। ये बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के पास खड़ा हुआ है जो कि बन के आते हैं 726 से लेके 730 रुपए के आसपास। तो मेरा मानना है कि जैसे ही आपको इसमें थोड़ा सा स्टेबल होता हो दिखे तो जरूर यहाँ पे निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन वॉल्यूम्स रहते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा सकता है। तो जेबीएम ऑटो मेरा इसमें से सिलेक्शन रहेगा फॉर इन्वेस्टमेंट और बाकी टैलब्रोस इंजीनियरिंग फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस। पर्पस के लिए टैलब्रोस ऑटो और इसके अलावा जेबीएम ऑटो पर भी नजर रखें।